वकार है, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब के फंड के लिए 10 लाख रुपए अतिया कर रहा हूँ। मैं कनाडा में हूँ जी, मैं $25,000 डोनेट कर, $25,000। मैं 1 लाख दिरहम जो है जो भी पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपए बनते हैं वो मैं डोनेट करना चाहता हूँ। 1 करोड़ 50 लाख रुपया मैंने खाना और राशन की सूरत में तकसीम कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड्स के लिए 92 न्यूज़ की कामयाब टेलीथॉन। अंदरून और बैरूने मुल्क से पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर अतियात दिए। लाइव ट्रांसमिशन में 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के अतियात के ऐलानात। अंदरून और बैरूने मुल्क से सैकड़ों कॉल्स मौसूल होने पर ट्रांसमिशन का वक्त बढ़ाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाइव टेलीथॉन में शिरकत। 92 न्यूज़ और अतियात देने वालों का शुक्रिया अदा किया। से अपनी अस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में वो हमने नहीं किया। जो मुल्क एटम बॉम्ब बना सके उसके लिए तो आसान था ना, वेंटिलेटर बनाना कितना मुश्किल है। बोरिस जॉनसन ने भी वॉलंटियर फोर्स के लिए ऐलान किया और उन्होंने मेरे ख्याल में 2.5 लाख उनके वॉलंटियर इकट्ठे हुए। अमेरिका ने अभी, मैं आज पढ़ रहा था कि वो एक जिस तरह वो जंग के दौरान वो जो ड्राफ्ट करते हैं कि लोगों को भर्ती करते हैं फौज के अंदर, वो आप सोच रहे हैं कि कोरोना की जंग के लिए वो एक पूरी वॉलंटियर फोर्स को जिस तरह ड्राफ्ट करते हैं फौज में उस तरह भर्ती करें। कौम मिलकर ही कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज के लाइव टेलीथॉन के दौरान कहा, हर चीज बाहर से मंगवाने की आदत पड़ चुकी है, एटम बम बना सकते हैं तो वेंटिलेटर्स और हिफाजती किट्स बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अमेरिका और बरतानिया को भी रजाकारों की जरूरत पड़ गई, बच्चों ने टाइगर बनकर शौकत खानम की मुहिम चलाई, जरूरतमंदों की तादाद मजीद बढ़ेगी। कोरोना के खिलाफ ये जो जिहाद है ये अपने जेन में डाल लें कि ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जीत सकती है, ना कोई बाहर से आके हमारी इमदाद करके हमें जिता सकता है। ये तो सारी कौम जब मिलके मुकाबला करेगी तो इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे, कितने बढ़ेंगे इस वक्त हम ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जितनी हमारी कौम एहतियात करेगी हमें पता है कि जो महदूद है वो महफूज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, फौरी लॉकडाउन के फैसलों से मुत्तफिक नहीं था, एक सूबे ने लॉकडाउन में पहल कर दी। पोश एरियाज और गली मोहल्लों के लॉकडाउन में फर्क है। कोरोना वायरस के खिलाफ जहाद में 7 से 8 माह भी लग सकते हैं। कोरोना पर कोई नहीं कह सकता कि 1 माह बाद क्या होगा। कोरोना और लॉकडाउन के बायस लोग बेरोजगार हो रहे हैं। टेलीथॉन में अंदरून और बैरूने मुल्क से करोड़ों के ऐलानात। सियालकोट से मोहम्मद जाकिर का 3 करोड़, नसरुल्ला वड़ाइच का 2 करोड़ का ऐलान। बरतानिया से चौधरी रिजवान, हाजी मुनीर शेर मोहम्मद का 25,000 पाउंड। कनाडा से जाफर हुसैन, असर दुरानी और साजिदा का $25,000 देने का ऐलान। UAE से खान जमान, डॉक्टर बू अब्दुल्ला और मोहम्मद खान ने 50,000 रुपये अतिया किए। दुबई से शौकत बट का 1 लाख दिरहम। फ्रांस से अकबर का 25,000 पाउंड देने का ऐलान। 92 न्यूज की कामयाब लाइव टेलीथॉन खत्म होने के बाद भी कॉल आने का सिलसिला जारी। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से पाकिस्तानियों की मुसलसल फोन कॉल्स आ रही हैं। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 92 न्यूज की तमाम फोन लाइन सुबह 8 बजे तक एहतियात के ऐलान के लिए खुली रहेंगी। कोरोना वायरस ने सुपर पावर को बेबस करके रख दिया। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 2000 हलाकतें, किसी भी मुल्क में एक रोज के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड। अमेरिका में मजमुई तादाद 18,500 से बढ़ गई, मुतासरीन की मजमुई तादाद 5 लाख। एक ही दिन में 33,000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर कर दिया। इटली में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 570 अफराद हलाक।
हलाकतों की मजमू तादाद 18,890 तक पहुंच गई। 3,951 नए केसेस के साथ मजमू तौर पर 1,47,577 अफराद जेरे इलाज, 30,455 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अतालवी वजीर आजम ने लॉकडाउन में 3 मई तक तौसी का ऐलान कर दिया और कहते हैं फैसला मुश्किल लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जरूरी था। WHO ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियां खत्म करने की मुखालिफत कर दी। DG वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस एधनम का कहना है पाबंदियां कबल अज वक्त खत्म करना खतरनाक साबित होगा। पाबंदियों में नरमी चाहते हैं लेकिन ये ऐसा करने से केसेस में इजाफा हो सकता है। कुछ यूरोपीय ममालिक में वबा के फैलाव में कमी खुश आइंद है लेकिन दूसरे ममालिक में कोरोना फैल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3 अफवाह, तादाद 66 तक पहुंच गई। मुतासिरा मरीजों की तादाद 4,695 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 284 शहरियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पंजाब में 2,287, सिंध में 1,214, KP में 620 मरीज, बलूचिस्तान में 219, गिलगित बल्तिस्तान में 215, इस्लामाबाद में 107 और आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद ज़ेरे इलाज। 727 अफराद कोरोना को शिकस्त से दोचार कर चुके। सिंध हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर तजब्जुब का शिकार हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना के सीनियर अरकान का इजलास आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह ने दीगर तीनों वज़रा आला से भी राबते का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत को भी लॉकडाउन में तौसी पर कायल किया जाएगा। वफाक ने लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा ना किया तो सिंध में भी 15 अप्रैल से मरहलावार पाबंदियां खत्म की जाएंगी। कराची में लॉकडाउन के बाद शहरियों का गुस्सा आसमान पर। हिजरत कॉलोनी में पुलिस ने घर के बाहर बैठे अपराध को अंदर जाने का कहा था, मकीन मुश्तइल हो गए। मुश्तइल शहरी ने ईंट उठाकर पुलिस को मारने की कोशिश की। दीगर शहरियों ने मुश्तइल शहरी को पकड़ लिया। पुलिस मोबाइल में सवार अहलकार जान बचाकर निकल गए। दिल्ली कॉलोनी में रेंजर्स को देखकर शहरी दौड़कर घर में दाखिल हो गए। वजीर आला उस्मान बुज़ार की डेरा गाजी खान के इलाके आमद रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात और तिबी सामान का जायजा लिया। रूरल हेल्थ सेंटर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान और कहते हैं पसमानदा अस्पतालों में शहरों जैसी सहूलतें फराहम करेंगे। उस्मान बुज़ार का मुल्तान और राजनपुर में इमदाद की तकसीम के दौरान बदनज़मी का नोटिस। मुल्तान में खातून के जाँ भाग होने पर भी अफसोस का इजहार। कोरोना वायरस खत्म करने का मिशन सिंध में मुश्किलात का शिकार। फ्रंटलाइन सोल्जर्स की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स नर्सेज टेक्नीशियंस भी कोरोना का शिकार। यंग डॉक्टर्स और यंग नर्सेज एसोसिएशन ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं 3 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके जिस पर साथियों ने भी खुद को करंटीना कर लिया। महकमा सेहत से हिफाजती सामान देने की अपील। कंपनीज मुलाजमीन फारिग ना करें, सस्ती शराइत पर कर्जा हासिल करें। स्टेट बैंक की 4 और 5% शरह सूद पर कर्जे की स्कीम शुरू। स्कीम के तहत 20 से 50 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल किया जा सकेगा। कर्ज मुस्तकिल और रोजाना उजरत पर रखे गए मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मखसूस होगा। जो कंपनीज 3 माह के दौरान मुलाजमीन को फारिग नहीं करेंगी उन्हें 2 साल के लिए कर्ज मिलेगा। पाक फौज के 2 बहादुर जवान पाक वतन की धरती पर कुर्बान। शमाली वजीरस्तान के इलाके जाकिर खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिपाही मोमिन शाह और सिपाही मोहम्मद साजिद ने जामे शहादत नोश किया। एक का ताल्लुक DI खान और दूसरे का एबटाबाद से है। जवाबी कार्रवाई में 7 अमन दुश्मनों को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया। कराची में MA जिनाह रोड पर मेमन मस्जिद के करीब आग लग गई। आग ने इमारत के 4थे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 6 फायर टेंडर्स और रेस्क्यू की 1 गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल करके इमारत को क्लियर कर दिया गया। तीन दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले अहमद रुश्दी की बरसी।
शोख और चंचल और मजाहिया गानों में कोई सानी नहीं था। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ रुश्दी की जोड़ी बहुत कामयाब रही। गुलुकारा माला के साथ 100 से जायद गानों का भी एजाज हासिल। 37 साल बाद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अहमद रुश्दी जैसा कोई गुलुकार ना मिल सका।